एवरीवन एंड वेलकम टू लेसन 8 ऑफ बायोलॉजी क्लास 11। आज हम लोग अपनी फर्स्ट यूनिट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज इस चैप्टर का हमारा पहला लेसन है। अभी तक हम लोग अपनी पिछली वीडियोज में फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने लाइफ की डेफिनेशन, लाइफ के करेक्टर और सिस्टमैटिक्स क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, ये सब पढ़ा है। हमारी पिछली वीडियो जो थी उसमें हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया था। अभी हमारी जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है और हमें क्यों इसकी जरूरत है। देखिए, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी, जो सिस्टमैटिक्स था, सिस्टमैटिक्स ही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन की बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इन स्पेसिफिक ग्रुप्स दैट कैन बी स्टडीड एंड रिमेम्बर्ड एंड अ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। It means organism with more number of similar characters are placed in one group and organism which do not have similar characters are placed in other group. तो इसे बोला जाता है biological classification, जो कि आप लोग जब पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो systematics होता है उसी को biological classification बोला जाता है। और आज हम उस topic को आगे continue करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि biological classification की ज़रूरत क्यों है। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्यों जाती है। जो सबसे पहला फायदा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वो ये कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म की इजी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। इजी आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान जो है वो करनी आसान हो जाती है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला फायदा। और दूसरा सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, वो ये है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम लोग किसी भी स्पीसी की एवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं। देखिए, जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में हम लोग फाइलोजेनी ऑन्टोजेनी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, हर तरह के बायोलॉजिकल एविडेंस जो है उनको स्टडी करते हैं, जिससे कि हमें उस ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन का पता चलता है। और एवोल्यूशन की स्टडी से हम लोग उसी ऑर्गेनिज्म की फ्यूचर एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए जरूरी है कि एक ऐसा प्रोसीजर हो, प्रॉपर सिस्टम हो, जिससे हमें किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट का पता लग सके। तो इसलिए भी सिस्टमैटिक जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है किन ऑर्गेनिज्म से, किन माइक्रोब से, किस स्पीसी से डेवलप हुआ है। और तीसरा और आखिरी रीजन ये कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम लोग एक स्पीसी की जितनी भी टाइप्स है उन सबको स्टडी कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हमें एक स्पीसी के हर एक टाइप का पता हो, ताकि हम लोग जो है उस स्पीसी को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसीलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो हमें एक स्पीसी के हर एक टाइप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, की जो क्लासिफिकेशन है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, सबसे पहली वजह, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। देखिए, इस अर्थ पे कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं। अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो 8 बिलियन ह्यूमंस हैं। हम लोग हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर सकते। उसके बजाय हम लोग एक स्पीसी के एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करके उस स्पीसी के सारे कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा अगर हमने उस प्रॉपर ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर कैटेगरी में क्लासिफाई किया होगा, अगर हमें पता होगा कि वो ऑर्गेनिज्म किस स्पीसी का है, किस जीनस का है, तभी हम उसे स्टडी करके उसकी सारी की सारी स्पीसी के बारे में जानकारी इकट्ठी कर पाएंगे। दूसरी वजह, इट विल बी इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है उनको कैटेगराइज नहीं करेंगे तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा।
अब मान लीजिए एक जगह पे एक फ्रूट वाला ट्री है, एक फ्लावर वाला ट्री है। अब हम नहीं जानते किसे फ्रूट बोलते हैं किसे फ्लावर बोलते हैं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस चीज की जरूरत है, क्या चीज हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हम उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे उसका हमें पता नहीं चलेगा। और आइडेंटिफाई करने के लिए क्या जरूरी है, आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है सिस्टमैटिक्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर क्लासिफिकेशन हुई होगी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा पेड़ किस चीज का है, कौन सा प्लांट एंजियोस्पर्म है, कौन सा प्लांट एंजियोस्पर्म नहीं है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन से आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है, जरूरत है, तीसरी सबसे बड़ी जरूरत जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, वो ये है, ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट अकर इन वन लोकेलिटी। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही जगह पे नहीं रहते। आप लोग खुद ही जानते हो ये चीज, कुछ ऑर्गेनिज्म सी में रहते हैं, कुछ रिवर में रहते हैं, कुछ पहाड़ों पे रहते हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं, कुछ डेजर्ट में रहते हैं। तो इस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी तो कर नहीं सकते, इसीलिए ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन जरूरी है ताकि हमें ये पता चल सके कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनके लिए अच्छी एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट, टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट। अब ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट, कि पास्ट के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। अब आप सोचोगे वो कैसे, जो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं उसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। वो इस तरह से कि जब हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, तो क्लासिफाई जब करते हैं तो हम लोग असल में उसके पास्ट को स्टडी करते हैं। हमें ये पता चलता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो अभी पर्टिकुलर कोई स्पीसी है, कि किस ऑर्गेनिज्म से, किस जीनस से इवॉल्व हुई, वो जो जीनस था वो किस फैमिली से, किस ऑर्डर से, किस क्लास से, किस फाइलम से, किस किंगडम से इवॉल्व हुआ। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अभी नहीं है, इस समय वो अर्थ पे प्रेजेंट नहीं भी है, तो वो किस एवोल्यूशनरी लाइन का पार्ट है, हमें ये पता चलता है। जब हमें पता चल जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस एवोल्यूशनरी लाइन का पार्ट है, तो हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को, उसके साथ के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करके जान सकते हैं। नेक्स्ट जो नीड है क्लासिफिकेशन की वो ये है, इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन से जो ऑर्गेनिज्म है, हमें उनकी आपस के रिलेशंस का पता लगता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म किससे ज्यादा मिलते हैं। अब कैसे रिलेशनशिप का पता लगता है, जिन ऑर्गेनिज्म के करैक्टर ज्यादा सिमिलर होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं, जिनके करैक्टर सिमिलर नहीं होते वो आपस में रिलेटेबल नहीं होते। अब आप खुद ही देखिए, इंसानों की तुलना बंदरों से तो कर दी जाती है। कभी हम बोलते हैं कि इंसान जो है वो चिड़िया की तरह है या चिड़िया हमारी रिश्तेदार है, नहीं बोलते ना ऐसा, क्यों? क्योंकि जो मंकी फैमिली है वो हमसे सिमिलर है, तो इससे क्या हुआ, रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया उनके और हमारे बीच में। और जो लास्ट, बिल्कुल लास्ट नीड है क्लासिफिकेशन की, टू डिटरमाइन एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज। एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज का मतलब है कि इस समय जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से इवॉल्व हो सकता है, उसमें क्या टेंडेंसीज है, क्या कंपेटेंसी है आगे फ्यूचर में इवॉल्व होने की। अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी लाइन को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि ये किन किन स्टेजेस से होके अभी अपने प्रेजेंट के टाइम में, प्रेजेंट स्टेट में इवॉल्व हुआ है। हमें पता चलता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है उसका रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन हुआ है या प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशन हुआ है तो कौन कौन से ऑर्गन जो है इसके डेवलप हुए, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से ऑर्गन जो है रिड्यूस हुए, जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में इस ऑर्गेनिज्म के साथ और क्या क्या हो सकता है। तो इस तरह से ये सारी जो चीजें हैं ये जरूरत बनती है, ये बेसिस बने कि क्लासिफिकेशन की ही जाए ऑर्गेनिज्म की। तो ये था हमारा आज का लेसन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि कौन कौन से जो सिस्टम है वो क्लासिफिकेशन के लिए इवॉल्व किए गए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उस लेसन को देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।